मेरी जिंदगी में देर से ही सही, लेकिन बहुत जल्दी बदलाव आए थे। समीर के प्यार में कुछ अलग ही नशा था। उसे मिलने के बाद ऐसा लगा था कि मैं पहली बार अपने आप से मिली, पहली बार अपने आप को महसूस किया था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये अपनापन मुझे खुद से इतना करीब और कुणाल से बहुत दूर ले जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह वाओ, तुम भी सूट होगा। ओके, वेरी नाइस यार, आई लाइक दिस व्हाइट वन। पहन के देखो। या श्योर। हे, हाउ इज इट? हे, superb, looking nice. Oh God, काफी टाइम हो गया। तुमने कब छोड़ी? 3 साल पहले, जब हमारी शादी हुई थी, कुणाल और मैंने साथ में छोड़ी थी। एक बात कहूँ, तुम मुझे वापस से गंदी आदतें लगा रही हो। अच्छा बच्चों, मैं या तुम?
हेलो निकिता मैम। हाय पूजा। मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। श्योर। हेलो। हाँ सर, निकिता मैम आए हैं। ओके, या श्योर। मैम यू कैन गो। थैंक यू। बाय द वे, यू लुक ग्रेट। डिड यू कट योर हेयर? नॉट रियली, बट थैंक्स। हे, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ? नहीं नहीं मैम, बस मैं तो जा रहा हूँ। ओके, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। कॉफी पियोगी? नहीं। दैट्स नाइस, बताया भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस आने वाली हो। या तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, यहीं पास में आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, व्हाट्स द ओकेशन? तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे ओकेशन की जरूरत है? अरे बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं अभी ट्राई करता हूँ। अरे अभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। हेलो। ओके, आई विल होल्ड माय कॉल। पहले क्यों नहीं बताया? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें कोई काम दिया जाता है तो तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। अगर तुम पूरा नहीं कर पाते हो तो मुझे पहले बोल देना चाहिए था। नो नो नो, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूज। नहीं, तुम मुझे अभी कभी ऑफिस में आके मिलो, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एनीवेज, तुम बताओ क्या प्लान है? कुछ नहीं, कुछ दोस्तों से मिलने आई थी, वहीं जा रही हूं। ओह कूल, तो फिर रात को मिलते हैं डिनर पे। ओके। हेलो। मैंने बताया ना, ऑफिस में आकर मिलो। Hey, what's wrong? कुछ नहीं, कल को नाल आ रहा है, अब जब मैं फोन करूं तभी आना। अरे यार, एक कप और चाय लाओ। चाय खत्म हो गई और दूसरी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे खत्म होगी, दूसरी बना के दो। बोला ना एक बार, चाय खत्म हो गई तो दूसरी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मैं मुफ्त की नहीं पीता, पैसे देकर पीता हूँ। ओके, अब तू जा रहा है बनाने के लिए,
या मैं खुद जाके बना के पी लूं। अरे यार तू तो गुस्सा हो गया, बैठ ना। कितनी चाय पिएगा? सुबह से 10-12 कप चाय पी चुका है, इतनी चाय पिएगा? चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है बाबा, आगे से इतनी चाय नहीं पीऊंगा। बस समीर, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, किसी के इतने भी करीब मत आओ कि खुद से ही दूर हो जाओ। तू तो जानता ही है कि बचपन से तेरे अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं रहा, एक तू ही तो है जो मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। अगर तेरी थोड़ी सी भी मैं टेंशन ले लेता हूँ कि तू चाय ज़्यादा पी रहा है या कम पी रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? और वैसे भी साले तू MR है, तू दूसरों का इतना ध्यान रखता है कि अपना ध्यान ही नहीं रखता। तुझे तो पता है कि मेरे पास हर मस की दवा है। चल ठीक है यार, आगे से इतनी चाय नहीं पीऊँगा। चल वैसे भी मुझे निकलना है, एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है। चल बाय। चलो सी यू, बाय। अरे मेरे लिए भी तो एक चाय लाओ यार। ए मेरे खुदा, लोग सच ही कहते हैं कि तू कहीं ना कहीं सबको मिलता है। तूने ही तुषार को मेरी जिंदगी में भेजा है। मेरे अब्बू को मेरी हर बात पता नहीं, पर तुषार शायद मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। मेरे इस छुपे हुनर को भी उसी ने उभारा है और उसी की वजह से ही मेरा कुछ वजूद है। आइए बाबा, मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूं। यार ये तुषार भी नहीं दिख रहा आज। जब इसकी जरूरत होती है ना तभी गायब रहता है। ये ले, तेरे लिए ढेर सारी चाय। अरे रखना फोन यार। साले कैसा दोस्त है तू, जब मैं मांगता हूँ तो मना करता है और जब मैं नहीं मांगता तो मेरे सामने लेकर रख देता है। मैं कैसा हूँ वो तो पता नहीं। एक बात सुनना यार, आज सुबह मैंने एक बुजुर्ग आदमी को रोड क्रॉस कराया तो उसने मुझे मेरे बारे में कुछ बताया। तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला है और कोई नया शख्स जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, वो दौर अच्छा होगा या बुरा उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा, लेकिन तुम अपने दिल की आवाज ध्यान से सुनना। देख समय, ऊपर वाला ज्यादातर अपनी आवाज किसी ना किसी के जरिए तुम तक पहुंचा ही देता। मुझे लगता है कि वो आवाज तुझ तक पहुंच गई है। इसका मतलब तुझे सच में लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई आने वाला है? वो तो पता नहीं यार, लेकिन तू इतना सोचता क्यों है? उसने बताया ना, तू अपने दिल की आवाज सुन, तो बस अब इंतजार कर। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आने होते हैं तो पहले से ही मुझे अंदाजा हो जाता है। जब भी मैं फ्री होता हूं तब बाइक लेकर शहर की सैर पर निकल जाता हूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये हॉबी एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी।
शिट यार, इसको क्या हो गया अभी? वेस्ट। पिक अप द फोन। हेलो। हेलो। हाँ निकी, बोलो। कुणाल, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। कहाँ पर हो तुम? अरे मैं कुछ शॉपिंग के लिए निकली थी, उसके बाद क्लब चली गई फ्रेंड्स के साथ। बस वहीं से निकली हूँ तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पता नहीं कब से कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम आ सकते हो प्लीज? कम ऑन निकी, मैं मीटिंग में हूँ, मेरा आना मुश्किल है। तुम एक काम करो, कार वहीं पे छोड़ दो, मैं मैकेनिक को भेज देता हूँ, वो कार ठीक करके घर पे छोड़ देगा। तुम वहाँ से ऑटो में घर चली जाओ। सो यू कांट कम? मेरे आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। समझा करो निकी, अभी कोई चांस ही नहीं है, तुम किसी की हेल्प ले लो। ओ माय गॉड कुणाल, ठीक है मैं रिक्शा से घर चली जाती हूँ, और कोई ऑप्शंस भी तो नहीं है मेरे पास। बाय। मेरी और समीर की पहली मुलाकात, मैं कैसे भूल सकती हूँ? यस, एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है और कब से रिक्शा का वेट कर रही हूँ, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही है। आज आपको कोई रिक्शा मिलेगी भी नहीं, बिकॉज़ आज रिक्शा वालों का स्ट्राइक है। तभी, ओह माय गॉड। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? अगर हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। थैंक यू। आप कहाँ रहती हैं बाद भी? यही पास में। आप चलिए मैं आपको रास्ता बताती हूँ। यह है मेरा घर। ओह माय गॉड, उफ। थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं घर कैसे पहुंचती। Come on, it's my pleasure. आइए ना, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए। गॉड, लगता है ये भी स्ट्राइक पे है क्या? मैं ट्राई करूं क्या? प्लीज। या आपकी चाबी बिगड़ गई लगता है। ओह नो, अब मुझे लगता है आपको नई चाबी बनवा लेनी चाहिए। ओके। ताले और चाबी का प्यार खत्म हो गया लगता है। ओह फाइनली। थैंक यू। प्लीज। आप कुछ लेंगे? एक ग्लास पानी। श्योर। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। श्योर।
तो क्या करते हैं आप? Well, मेरा एक छोटा सा कैफे है। Wow, that's really nice. फिर तो आपको कुकिंग का भी शौक होगा, right? Yeah, शुरुआत में बहुत कुकिंग किया है मैंने। काफी सारी housewives को सिखाया भी है मैंने, but अब नहीं करता। That's nice. Actually, कुकिंग का मुझे भी बहुत शौक है। और उससे भी ज़्यादा, I'm a good cook. And मुझे खाने का भी बेहद शौक है। किसी दिन आपका कैफे विजिट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, anytime. लेकिन एक शर्त पर, आपके हाथ की फेवरेट डिश खाना पसंद करो। अरे why not? It's my pleasure. This is my business card. Please, कैफे विजिट कीजिएगा। मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा। I guess अब मुझे चलना चाहिए, तो I'll see you around. Okay, sure. Yeah. Thank you. Yeah, see you. Bye. हेलो। हेलो समीर। हाँ कौन? समीर बोल रहा हूँ, आप कौन? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आप नहीं तुम कहा करो मुझे। मैंने कहा, याद है लिफ्ट दी थी तुमने मुझे? ओह या, आई रिमेम्बर। कैसी हैं आप? आई मीन तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम ठीक। क्या कर रहे हो? नथिंग मच, बस ऐसे ही कैफे में बैठा था। Oh, right. मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारा कैफे रेस्टोरेंट है। चलो एटलीस्ट आपने मुझे तो याद रखा, और वैसे भी किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे कैफे विजिट करेगी, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। अच्छा, ऐसा किसने कहा था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने। गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना। अगर मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी तो आपको अच्छा लगेगा। एनीवेज, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है एक्चुअली। बोलो, क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली किसी ने मेरे कैफे आने का मुझसे वादा किया था, बट अभी तक वो आया नहीं। क्या आप उसे मेरे कैफे ले आओगी? अच्छा, इतनी सी बात? ठीक है, तो कब ला रही हो कैफे? Well, जब तुम बुलाओ। अभी आ जाओ। ठीक है, अभी लेके आ जाती हूँ। मतलब? कैफे से बाहर निकल के देखो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। चलो मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। चलो अब हम आ गए, पिलाओ कॉफी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और एक प्रॉमिस भी करता हूँ, मेरे हाथ की कॉफी पीने के बाद आपको किसी और के हाथ की कॉफी अच्छी लगेगी ही नहीं। अच्छा, देखते हैं। प्लीज वेलकम।
निकिता एक मिनट, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ सेल्फीज ले सकता हूँ अपने फोन में? क्यों? तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल मैं अपने फोन में कैप्चर करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आज वाकई में ऐसा लगता है कि मैंने असली कॉफी पी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉफी। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय। ओके बाय। हाय। आई थिंक मुझे केक लेकर आना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि शायद तुमको मेरे हाथों से बना हुआ गुलदस्ता ज्यादा पसंद आएगा। बहुत अच्छा किया, वैसे भी मुझे फूल ज्यादा पसंद है, और ये मेरे फेवरेट फूल है। प्लीज कम। या तुम बैठो, मैं इन फूलों का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। या श्योर। भूल गई। He is my husband. Okay, तो कुणाल भी यहीं रहता है? बहुत कम, ज्यादातर वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, बिजनेस टूर पर। हमारी लव मैरिज हुई थी, शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वक्त के साथ सब बदल गया। अब तो प्यार का कोई नामो निशान तक नहीं है, सिर्फ शादी है, और उसमें भी सिर्फ मैं हूं। कोई प्रॉब्लम है? मुझे ये सब ठीक नहीं लगता समीर, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे नहीं लगता। पता नहीं, मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। निकी, वहीं रुको, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैमरा कैसे वर्क करता है। बेबी स्टे देयर ओनली फॉर वन सेकेंड, या थोड़ा सा लेफ्ट में जाना। वाव, नाइस पोज, तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। यस, वंडरफुल। बेबी वन मिनट, वन मिनट। ओह, बेबी वन मिनट, वन मिनट। ओह, इस बार कितने दिनों के लिए आए हो? एक दिन के लिए, यहां पर मेरा एक मीटिंग है, तो कल सुबह फिर वापस जाना है। ऐसा कब तक चलेगा कुणाल? कैसा? ओह, देखो निकी, तुमसे मिलने से पहले मेरा एक सपना था और आज मैं उस सपने के बहुत ही करीब हूं, सो प्लीज समझा करो। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? मेरे सपने क्या है, मैं जिंदगी से क्या चाहती हूँ? निकी, ये सब मैं हमारे लिए तो कर रहा हूँ। मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है कुणाल। प्लीज निकी। ओह,
हेलो 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 हाय हाय, कैसे हो तुम? एक्चुअली मैंने ना तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल किया था। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा। नहीं तो देखो निकी, कल जो हुआ उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी आज में जीता हूँ, ना कि बीते हुए कल में और ना ही आने वाले कल में। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुमको भी पता होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहती हो। कहाँ हो तुम? क्या मैंने पूछा कहाँ हो तुम? मैं कैफे के बाहर हूँ। एक्चुअली तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा मुझे। रैग हो रहा है। हेलो। अरे पापा, घर आ सकते हो क्या? काम से थोड़ा ब्रेक ले लो। अच्छा ओके, आता हूँ। ओके बाय। यप। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। But let's do softly, slowly and gently. मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे प्यार करो जैसे अपनी वाइफ को प्यार कर रहे हो। पर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। Yeah, I know that. लेकिन सोचो कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपनी वाइफ को प्यार कैसे करोगे? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब कुछ मत कहो, बस मुझे प्यार करो। Take it easy. कोई जल्दी नहीं है।
यार तुषार, कल मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया था जहाँ मेरी मुलाकात निकिता से हुई। बहुत ही खूबसूरत दुनिया है वो। उसके पास से जैसी खुशबू आ रही थी मानो उससे दूर जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। उसके पास वो जो नशा है ना, मानो वैसा नशा मैंने कभी देखा ही नहीं। समीर, तुझे अंदाजा भी है कि तू किस रास्ते पे चल पड़ा है? वो कौन है, क्या करती है, उसके घर में कौन कौन है, पता भी है तुझे? यार मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। चल ठीक है यार, तुझे जो ठीक लगे वो कर। वैसे मैं तो बैठा ही हूँ सब कुछ ठीक करने वाला। अच्छा नो कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ बाबा। हे, मैं भी आऊँ क्या? नो थैंक यू। कुछ चाहिए तुम्हें? नो थैंक्स, आई एम फाइन। ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं काम खत्म करके आता हूं। निकी, Do you love me? Of course I love you. ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? यार मैं भी ना, पता नहीं क्या हो गया है। चलो मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ। और तुम्हारा दिन कैसा था? आज क्या स्पेशल था? वही सेम रूटीन, मीटिंग्स, बॉस के साथ आर्गुमेंट्स। कभी मेरे बारे में सोचने की फुर्सत मिलती है तुम्हें? वेल, याद तो आती है पर कभी कॉल नहीं कर सकता। ये लोग मुझे फ्री होने दे तब ना। लीव द लाइट्स ऑन। यस, बोलिए।
That's not what we talk about. I didn't order that material from Jindal. I ordered from you. Well, get back to me. May I? As soon as possible. आज शाम को 5 बजे मिस्टर देसाई के साथ आपकी मीटिंग है और ये फाइल है जिसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। Yeah, sure. और हाँ, कल आपको लंदन के लिए निकलना है, वो भी 1 महीने के लिए। For a month? Yes, boss just informed me, and he wants to meet you also. Give me 5 minutes. Okay. बस यूं ही रात भर पहचान दे तेरे जिस्म की ओ मेरे राहबर ऐसी कभी ना बुझ पाए
बस यूं ही रात भर पहचान ले मेरी जिस्म की हूँ मैं तेरी राह पर छू लूं तुझे पालूं तुझे बस यूं ही रात मैं कुछ मेमोरीज चाहता हूँ। मतलब? तुम्हारे साथ प्यार की कुछ सेल्फीज लेना चाहता हूँ। आर यू सीरियस? अपनी पॉर्न फिल्म बनानी है क्या? मुझ पे भरोसा कर सकती हो यार? जरूरी है। मेरा भरोसा करो यार। देखो तो सही कितने लड़कियों के सेल्फीज है तुम्हारे फोन में। अच्छा क्या मैं इन्वाइटेड हूँ? ऑफ कोर्स। Thank you.
चीयर्स। बहुत अच्छा म्यूजिक है, क्या है? पता नहीं, शायद ब्लूज। मुझे नींद आ रही है, रुको ना। अच्छा लग रहा है। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? मुझे लग रही है नींद भी आ रही है। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। आज लंच पे चले गया? मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। वाव, आज तुम्हें क्या हो गया है कुणाल? तुम पर प्यार आ रहा है? मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, फ्रेंड्स के साथ एग्जीबिशन देखने जाना है। तो फिर लंच पे मिले 12 बजे? 12? कुणाल, तुम्हें तो पता है ना मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो फिर थोड़ा लेट चलते हैं, साथ चलते हैं, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन कुणाल, तुम तो जानते हो ना मुझे तैयार होने में वक्त लगता है। दैट्स ओके। ओ शिट, व्हाट? मुझे अभी याद आया, मैंने फेशियल का अपॉइंटमेंट लिया था, कोरोनेशन एट 12:30। मैं कैंसिल कर देती लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट पूरे 1 महीने बाद मिला है। ओह वेल, तुम्हें तो खूबसूरत भी रहना है। कोरोनेशन तुम्हें नहीं लगता इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी? हाय,
मुझे एक ब्यूटी पार्लर का नंबर मिलेगा? कोरोनेशन। ओह राइट। थैंक यू। मैंने एक अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। आज 12:30 निकिता दवे, या शायद कोई और टाइम पर हो। आर यू श्योर? ऑल राइट, थैंक यू। आज पार्लर हो आई? ओ या, मैं 15 मिनट लेट पहुंची तो उन्होंने किसी और को बिठा दिया। अब नेक्स्ट मंडे का अपॉइंटमेंट मिला है। कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? 5:00। ओ माय गॉड, फिर जल्दी सो जाते हैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ। पैकिंग कल कर लेंगे। गुड नाइट। हम इसकी देखभाल बारी बारी करेंगे। इस वीक तुम्हारी बारी। वाओ, कितना क्यूट है ना। और नेक्स्ट वीक मेरी बारी। ओके। मैं जब भी निकिता से दूर होता था, उसकी शख्सियत, उसके बदन की खुशबू, उसकी खूबसूरती, उसका भोलापन मुझे उसके और भी करीब खींचता था। मैं हमेशा उसको छूने के लिए, उसको पाने के लिए बेचैन रहता था। शायद मैं उससे प्यार करने लगा था। शायद, हाँ, या श्योर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं समीर? लंच। हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? लंच नहीं करना।
लंच करना है, लेकिन इस तरह यहाँ पर वो भी तुम्हारे साथ, कोई देख लेगा समीर। प्लीज यहाँ से निकलते हैं। चलते हैं मगर कुछ टेस्ट किए बिना। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें टेस्ट करवा दूंगी, बट प्लीज अब यहाँ से चलो। श्योर, बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? मैंने आज तक पीछे हटना नहीं सीखा, जो बोलती हूँ वो करती हूँ। अच्छा, थोड़ा पास आओ। क्या कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टेस्ट कर रहा हूं ना। क्या? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे लिप्स को किस करना चाहता हूं। निकिता, तुमसे मिलने से पहले प्यार की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं थी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी है। तुमने इजहार तो नहीं किया है, पर मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता। तुम्हें पता है, कभी कभी मैं हमारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या सोचते हो? हमारे रिश्ते के बारे में। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत कम वक्त में हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए? हाँ, लगता है कभी कभी। कभी कभी? खैर छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ। मुंबई कितने साल रहे हो? 3 साल पहले मैंने बॉम्बे छोड़ दिया, लेकिन मैं हमेशा बॉम्बे में नहीं रही। मैं दिल्ली में पली बड़ी। कॉलेज में मेरी मुलाकात कुणाल से हो गई और प्यार करने की गलती कर बैठी। उसके बाद फिर बैंगलोर, कोलकाता, बस घूम ही रही हूँ। कुणाल का जॉब ही ऐसा है, हर बड़े शहर में रह चुकी हूँ, लेकिन अब थक गई हूँ। तुमने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं की? कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? कुणाल को वक्त ही कहाँ रहता है। निकिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सीरियसली? समीर, ये सब बहुत पेचीदा है। तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं है। चलो ना, घर चलते हैं। नहीं, आज नहीं। कर दिया है अनजाना।
मुझ पे खुद को बांध रही हूँ खुद से खुद को कोई मिला दे मुझसे मुझको। प्यार क्या होता है मेरे और समीर के बीच में हुआ है वो, या फिर मेरे और कुणाल के बीच में था वो? कुछ बातें हमारी समझ के बाहर होती है। पहले पहले कुणाल भी मुझसे उतना ही प्यार करता था जितना आज मुझे समीर करता है, लेकिन जब समीर ने अपने प्यार का इजहार किया तब मैं कुछ भी सोच या समझ पाऊं ऐसे हालात में नहीं थी। बस उसने कहा और मैंने सुना। वक्त के साथ इंसान और उसकी सोच भी बदल जाती है। बेब्स, मैं बहुत थक गया हूं। थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। तो फिर किस बात का गम है? पता नहीं समीर मेरे दिल में क्या चल रहा है, पर मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूं। मैं समझ सकता हूं। मुझे अपने प्यार का इजहार इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पुराना याद आ गया। प्यार से मेरा बहुत गहरा रिश्ता नहीं है। कुणाल ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी और बहुत कुछ, लेकिन कुणाल ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। मेरा सपना था कि मेरा खुद का बिजनेस हो, मैं अपने लिए कुछ करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मैं समझ सकता हूं। अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें सपने पूरे करने की पूरी आजादी देता। मैंने अपने आप को फना कर दिया तेरे इश्क में। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीती हूं। जब मैं अपने आप को प्यार करती हूं तब मैं तुम्हें चाहती हूं, और जब मैं तुम्हें चाहती हूं मैं अपने आप को प्यार करती हूं। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? 8 बजे की। क्यों, तुम्हें आना है क्या? नहीं यार, मुझे बहुत सारा काम है, और तुम भी तो ऑफिस के काम से ही जा रहे हो। कम ऑन बेबी, इट्स दिल्ली। हमने हमारी जिंदगी की शुरुआत वहीं से की थी, और मैं अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दूंगा।
हम हमारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, दिल्ली घूमेंगे, प्यार करेंगे, क्या बोलती हो? इट साउंड्स ग्रेट, पर क्रिसमस तक वेट करते हैं ना, तब तक काफी कुछ सेटल भी हो जाएगा। ये स्वेटर भी रख लो, वहां ठंड होगी। कितने बजे निकल रहे हो? मैंने बताया तो सही, 8 बजे। ऑलराइट, मेरा मतलब है तुम्हें ड्रॉप कर दूं एयरपोर्ट तक? नहीं, तुमने स्मोकिंग चालू किया? नहीं तो वो कल फ्रेंड्स के साथ मैं कैफे में स्मोकिंग जोन में बैठी थी ना, इसलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे कॉल करो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सुना है दो प्यार करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था। शहर की ठंड में हमारा प्यार भुनक रहा था। एक दूसरे को प्यार करने के लिए हम बहुत बेचैन रहते थे, हर दोपहर हर शाम। जब कोई खुद से ही ज्यादा करीब हो जाता है तब उसे खुद में समा लेने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। मैंने उसे मुझ में खो जाने के लिए कहा, बहुत दूर ले जाने को कहा, दुनिया भुलाने को कहा, और ये भी कहा कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में पड़ चुकी हूं। उस वक्त कुणाल को इस तरह छोड़ देना सही नहीं लगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्यार हमें कमजोर बना देता है। प्यार इंसान को और उसकी सोच को बदल देता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन महसूस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जब भी मिले एक दूसरे को प्यार करने से रोक ही नहीं पाए। मुझे ऐसा लगा जैसे प्यार करना उसकी एक आदत है। ऐसा लगा कि यही उसका काम है। तुम देखना, भले ही तुम्हें मेरा चेहरा याद रहे या ना रहे, लेकिन ये पल तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगी? देख लो ध्यान से। इतना खूबसूरत चेहरा कोई कैसे भूल सकता है?
मैंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना तुमसे प्यार किया, अपने शादीशुदा होने की भी परवाह नहीं की। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने मुझसे रिश्ता क्यों बनाया समीर? पता नहीं, अब हमें रुक जाना चाहिए। अभी रुक जाएंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। अगर हम अभी रुक गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। हम कुछ भी कर ले समीर, किसी ना किसी को तो तकलीफ होगी ही ना। हो सकता है ऐसा ना भी हो, हो सकता है कि एक दूसरे से हम थोड़े ही वक्त में बोर हो जाएं और फिर दोबारा मिलने की कोशिश भी ना करें। ओह गॉड, आई होप सो। पता है समीर, तुम पूरी तरह से मेरे दिलो दिमाग में बस चुके हो। पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। सुबह आँख खुलने से पहले तुम मुझे नजर आते हो। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत खतरनाक हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन जब तुमसे मिलना नहीं होता तो मैं बहुत बेचैन रहती हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगता है, तुमसे मिलने के बहाने ढूंढती हूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कभी कभी मैं अपने आप से नफरत करती हूँ, सोचती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि मुझ में ये गुनाह करने की हिम्मत कैसे आई, मैं इतना आगे कैसे निकल गई, मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई। एक अनजान इंसान के साथ इतना वक्त बिताने में मुझे इतनी खुशी क्यों मिलती है, मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रही हूं, या फिर मैं समझना नहीं चाहती। हाय समीर, कैसा है तू? हाय तुषार। क्या यार, इतने दिनों बाद मिला और ऐसा मूड, क्या बात है यार, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ अभी तो सब कुछ ठीक है, पर आगे सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मेरे अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। वो तो होना ही था। आज इतने शांत क्यों हो? क्या हुआ? मेरी शादी तय हो गई है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वो अपने घर की इकलौती वारिस है और मैं भी।
छह महीने के बाद शादी की तारीख तय हुई। क्या तुम उससे प्यार करते हो? नहीं, मैं तो उससे आज तक कभी मिला भी नहीं हूं। हाँ, बचपन में एक बार देखा था, मगर ढंग से सूरत भी याद नहीं है। हमारे घर में शादी परिवार वाले ही तय करते हैं। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। इसलिए हमने हमारे आने वाले कल के बारे में ज्यादा बात नहीं की। यह हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। उस दिन निकिता बहुत ही सहमी हुई थी। उसने मुझे एक पल के लिए भी अपने आप से अलग नहीं किया। उसका डर, उसकी घबराहट मैं महसूस कर सकता था। हमने काफी वक्त साथ गुजारा। निकिता की वजह से ही मेरा कुछ वजूद है, लेकिन उसके साथ जिंदगी ना बिताने का गम मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। मानो जैसे नींद खुलने से पहले सपना टूट गया। जब निकिता ने मुझसे कहा कि वो कुणाल के साथ हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रही है, उस वक्त एक पल के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं बेबस हो चुका था। मानो बेबसी ने बेखुदी को दफन कर दिया। नो समीर, एक बात बताओ, आज जो तुमने किया उसकी बाजार में क्या कीमत है? पता नहीं, मैं कभी गया नहीं। आज पहली बार तुमने मुझे बाजारू औरत होने का एहसास दिलाया। मैंने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कहा, तुम्हें भुलाना, तुम्हें अपने दिल से निकालना कितना मुश्किल होगा। मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और मैं नाकाम रहा। पता नहीं लोग प्यार के रिश्ते को जोड़ने की बजाय तोड़ने में क्यों विश्वास रखते हैं। मेरे घर वाले चाहते हैं मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं, और उनकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूं। निकिता, मैं मेरी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने किसी भी और लड़की से शादी की तो वो लोग मेरा मरा मुंह देखना पसंद करेंगे। सच ही तो कहते हैं वो, मैं शादीशुदा हूँ और वैसे भी मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। उस दिन मुझे पता था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने,
हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, उसके बावजूद हमें अलग होना है हमेशा के लिए। यह हमारी तकदीर है। उस दिन नदी के गहरे पानी की तरह मैंने अपनी जिंदगी की सीमा नाप ली थी, मैंने अपनी तकदीर देख ली थी। क्या वो बहुत खूबसूरत है? हाँ, और अमीर भी बहुत है। शायद यही वजह है कि उससे मेरी शादी हो रही है। क्या तुम उससे प्यार कर पाओगे जैसा मुझसे करते हो? पता नहीं। प्यार करने का मूड नहीं है? पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर वो चाह नहीं है। मैं अंदर से टूट चुका हूं। शायद तुम्हारे लिए मेरे दिल में थोड़ा प्यार भी कम हो गया है। बस अब मैं ये रिश्ता और नहीं रखना चाहता। कितनी सिगरेट पी रखी है तुमने कि तुम मुझसे एकदम से दूर होना चाहती हो? हाँ, सुबह से यही कर रही हूं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी शादी जो हो रही है, तुम्हारी शादी कब है? नेक्स्ट सैटरडे। तुम कब जा रही हो? तुम्हारी शादी के ठीक एक हफ्ते बाद। मेरी तरफ देखो समीर, पता है मैं अंदर से मर रही हूं तुम्हारे प्यार के लिए। तुम शादी के बाद मुझसे मिलने आओगे ना? सिर्फ एक बार, याद है तुमने मुझसे वादा किया था? चलो कहीं भाग चलते हैं। यही हूं, तुम भी यही हो, हमारी यादें भी यही हैं। हम अपने आप से भागकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? मुझे अब डर लगने लगा था कि निकिता मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी तो मेरी जिंदगी फिर से बेरंग हो जाएगी।
मैं एक आम आदमी की तरह जीने को मजबूर हो जाऊंगा। सब कुछ होगा मेरे पास, लेकिन निकिता का प्यार नहीं। मैं अब धीरे धीरे बेचैन हो रहा हूं, अंदर से टूट रहा हूं, बिखर रहा हूं। यार मैं एकदम पागल सा हो रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर इस बात का है कि जब निकिता मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तो फिर मैं क्या हूं तेरी लाइफ में? तू मेरा लाइफ सपोर्ट है, पर निकिता तो मेरी लाइफ है यार। देख समीर, हमारी पूरी जिंदगी में हमें कई लोगों के साथ मिलना बिछड़ना रहेगा, कई लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन इस अलविदा की आदत से हमें प्यार शब्द को भूलना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगले हफ्ते मेरी शादी है, मगर उस शादी में मेरा प्यार नहीं होगा। कभी कभी ख्वाबों के भंवर में हम हकीकत को भूल जाते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस तू अपने दिल की आवाज सुन। जैसे मौसम के बदलने पर पंछी अपना घोंसला बदल देते हैं, जैसे शाम ढलने के बाद रात होती है, वैसे ही ठंड का मौसम अपने आखिरी मोड़ पे था और उसी वक्त मुझे ये शहर छोड़ना पड़ा था। उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी उसका अंदाजा कुणाल को भी नहीं था। मैंने मेरे दर्द का एहसास कुणाल को भी नहीं होने दिया। छोड़ रहे हम तुझसे।